इस नाम में ही एक ऐसा मोटिवेशन मिल रहा है लोगों को, और आई होप ये शो देख के भी काफी मोटिवेट होंगे लोग। अपने अपने तरफ से बताइए आपके कैरेक्टर और इस शो के बारे में कुछ। ये शो जो है ये एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें एक गिरधर शुक्ला नामक युवक है जिनकी विज्ञान में बहुत रुचि है, जिनकी साइंस में, साइंस के थ्रू देश की सेवा करने में बहुत रुचि है। और जब भी वो देखते हैं साइंटिस्ट को जो स्पेस में भेजते हैं लोगों को, या एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं स्पेस के अंदर, उनको देख के बहुत प्रभावित होता है वो। तो पर वो, उसको घर वालों से इतनी सपोर्ट नहीं मिलती है, फाइनेंशली वो इतना केपेबल नहीं है, तो वो कर नहीं पाता इतना कुछ। पर जब वो वही सपने अपनी बेटी की आंखों में देखता है, तब उसे लगता है कि हाँ, कि शायद वो सपने जो उसने देखे थे अब उसकी बेटी देख रही है, कि इसे पूरा सपोर्ट करेगा वो उसके सपनों को साकार करने के लिए। तो ये कहानी है हमारी, कैसे एक फादर अपने बेटी जो उसका सपना है एस्ट्रोनॉट बनने का, उसको पूरा सपोर्ट करता है। उसी बेटी का नाम है अपोलिना। एंड अपोलिना जो है अपने फादर से डेफिनेटली बहुत प्यार करती है। वो चाहती है कि पास्ट में उसके पापा के ऊपर कुछ ऐसे ब्लेम्स लगे थे कि वो ट्रेटर है, एंड वो ब्लेम्स को वो हटाना चाहती है, और साथ ही साथ फादर और अपना सपना पूरा करना चाहती है। काफ़ी मोटिवेटेड है वो कि, और ये कहानी उसकी जर्नी है कि कैसे एक लड़की छोटे से शहर से जो बिलोंग करती है, बहुत ही छोटी जगह से बिलोंग करती है, और वो जहाँ पे लड़कियों को साइंस की जगह कहते हैं कि होम साइंस पढ़ो और ज़्यादा पढ़ाई का अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पे कैसे वो फादर उसको इतना सपोर्ट करते हैं, वो इतना अच्छा पढ़ाई करके कैसे वो एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देख रही है, और उसकी पूरी जर्नी है कैसे वो एस्ट्रोनॉट बनती है। तो जैसे ये हम लोग ने प्रोमो में भी देखा, बचपन में ही आपके डैडी को जेल जाती है, तो एस्ट्रोनॉट बनते बनते जब आप एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जा रही थी तो आपके डैडी आपके साथ थे या नहीं, ये एक सस्पेंस है, तो उस बारे में कुछ बताइए। सो जो जेल वाला जो आपने प्रोमो में देखा, वो जेल लेके जा रहे होते हैं, बट ऑफकोर्स आप कहानी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो पूरी जिंदगी ऑफकोर्स जेल में नहीं थे, उन्हें उम्र कैद नहीं हुई है। तो नहीं, एक दाग लगता है किसी के चरित्र पे, जब दाग लगता है तो दो ऑप्शन होते हैं इंसान के, या तो वो अपने सपने को छोड़ दे, या फिर उससे भी ऊंची उड़ान भरे। तो इसके अंदर जब वो ऐसा दाग लगता है, ऐसा जब उसके ऊपर एक लालचन लगता है, तो वो निराश नहीं होता। वो कहता है कि इसमें मेरे देश की कोई गलती नहीं है, इसमें कोई साइंस की कोई गलती नहीं है, विज्ञान की गलती नहीं है, ये हालात की गलती है, और हालात बदलते रहते हैं। और वो फिर बोलता है कि मैं साइंस की सेवा करना, देश की सेवा करना बंद नहीं करूँगा। और जब वो वही जज्बा अपनी बेटी के अंदर देखता है, तब उसकी खुशी जो है वो दोगुनी हो जाती है, कि हाँ, कि मैं तो शायद बहुत दूर से अपने देश की या साइंस की सेवा कर रहा था, ये एक मेरी बेटी बिल्कुल उनके बीच में रह के ये कुछ भी कर सकती है, एस्ट्रोनॉट बन सकती है, स्पेस साइंटिस्ट बन सकती है, द होल स्काई इज ओपन टू हर। जैसे कि हमने आपने इसमें एक लाइन कही हुई कि जा रही हूँ मैं भारत की पहली एस्ट्रोनॉट जी, तो जो रियल में भारत की पहली एस्ट्रोनॉट है कल्पना चावला, कहीं क्या उनसे कुछ कनेक्ट किया हुआ है, या आपने कुछ एस्ट्रोनॉट के बारे में? सो टेक्निकली वो इंडो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है और बिलोंग करती है भारत से, बट फिर भी वो इंडो अमेरिकन है, एंड अभी तक कोई भी भारत की महिला अभी तक कोई भी नहीं है, तो इसीलिए ये उसका सपना है। एंड कल्पना चावला जी, ऑफकोर्स शी इज एन आइकॉन, शी इज एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस, पर ये कहानी भारत की एक छोटे से शहर की छोटी सी लड़की। क्या ये बायोपिक जैसा है? नहीं है। क्या आपने किस तरह की तैयारी की है, किस तरह का ध्यान आप लोगों ने रखा है शो के लिए, इस तरह का स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से हुई है शो के लिए, कुछ अगर आप बता सकें? जो रिसर्चर्स हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है, हमारी हेल्प की है, एक्स इसरो साइंटिस्ट ने हमारी काफ़ी हेल्प की है इस रिसर्च में, एंड ये किसी बायोपिक पे बेस नहीं है, ये एक अलग कहानी है, धारावाहिक है और अलग कहानी है, ओरिजिनल स्टोरी है, इंस्पायर्ड है, काफ़ी जगह से ज्ञान दिया गया है, तो पर रिसर्च की गई है। सो अदिति, आपने पहले इसके पहले जो भी कैरेक्टर प्ले किए हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, और अभी इसमें एस्ट्रोनॉट का प्ले कर रहे हो जो आप बनने वाली हो, तो उसमें ढलने के लिए आपको लाइक क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? आई थिंक हर किरदार के अपने ही चैलेंजेस होते हैं, कहीं आपको एक अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तो
कोई किरदार कुछ अलग होते हैं, कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं. इस किरदार के लिए मुझे फिजिकल ट्रेनिंग की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट यू हैव टू बी फिजिकली फिट. एंड आपने अपनी जो नया प्रोमो आया उसमें आपने दिखा होगा कि मैं वर्कआउट कर रही हूँ, आई एम डूइंग वेटेड स्क्वाट्स एंड आई एम डूइंग रोप्स एज वेल. सो वो सब रियल लाइफ ट्रेनिंग भी एवरी डे आई डू, एंड रनिंग इन ट्रेड्स इन यू नो वट एवर इज पॉसिबल टू स्टे फिजिकली फिट फॉर द कैरेक्टर. एंड this really helped me in the to make this character as well. kya ye jo show hai kya students logo ko attract kar payega, kya kuch education diya jayega, ya aap samajh rahe meri baat ji, ya kuch kya waisa typical type serial hone wala hai, like educational serial hai, matlab the best serial hone wala hai, best सब कुछ है इसके अंदर, ये सब बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हाँ, सो पीपल हु नीड इंस्पिरेशन, जिनको थोड़ा सा भी लगता है कि दैट दे आर बीइंग पुल्ड डाउन बाय देमसेल्व्स, बाय सोसाइटी, बाय एनीथिंग, हालात की वजह से, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर देम टू सी कि हाउ एनीबडी कैन फाइट अगेंस्ट ऑड्स, और जिसको भी कोई भी कितना भी नामुमकिन सपना देख सकता है और उसे पूरा भी कर सकता है. और हाँ, माँ बाप के लिए भी एक ये है कि आपके बच्चे कई बार आपको लगता है कि नामुमकिन सपना देख रहे हैं, पर आप नहीं जानते कि उनकी वो उड़ान कितनी ऊंची हो सकती है. तो आप जो भी सपने आपके बच्चे देख रहे हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए, और ये मत सोचिए बेटा है कि बेटी है, और बेटियों को सपोर्ट कीजिए. कौन सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट ऐसा होने वाला है जो ये बाकियों से अलग बना के लोगों को और अट्रैक्ट करेगा ये सीरियल देखने के लिए? आई थिंक फादर डॉटर बॉन्ड जो है वो काफ़ी अलग है इसमें. लाइक यूजुअली हम किसे देखते हैं फादर डॉटर, जो टिपिकल फादर्स होते हैं बिल्कुल है तो यू नो हाँ ठीक है कर दिया या शादी करने के पीछे पड़े रहते हैं, अंदर लॉट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स. बट इधर एक गुरु और शिष्य का बॉन्ड भी दिखेगा, और एक जो फादर और डॉटर का जो बॉन्ड है वो काफ़ी ब्यूटिफुल बहुत अलग होने वाला है. बाप उसको सपोर्ट भी करता है बट उसको उसी क्लास भी लगा के रखता है. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ रियल लाइफ फादर्स आर, यू नो, जो सपोर्ट वेरी हैवी 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 वेरी हैवी हैवी हैवीली इमोशनल एट द सेम टाइम वेरी रूटेड इन द रियल रियलिटी. एंड देयर आर गोइंग टू बी वेरी गुड लाइट मोमेंट, देयर आर गोइंग टू बी वेरी इंस्पायरिंग मोमेंट्स, देयर आर गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू बी एवरीथिंग दैट कैन दैट वन पर्सन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ शो. एंड इट्स अ वेरी गुड टीम दैट्स मेकिंग द शो. बड़े अच्छे राइटर हैं जो आज से आज का शो वेरी कंटेम्प्रेरी शो बना रहे हैं, और जो भी लोग जुड़ेंगे शो देखेंगे उन्हें भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा. लास्ट क्वेश्चन, आपने कुछ ट्रेनिंग ली है इस शो के लिए, इस कैरेक्टर के लिए, क्या कितना आपने रिसर्च किया है? एज आई सेड कि यूजुअली राइटर्स ही रिसर्च करते हैं, एक एस्ट्रो साइंटिस्ट ने हमारी हेल्प की है वो रिसर्च में. एंड अक्सर मुझ तक जब पूरा वो रिसर्च के बाद वाला बाय प्रोडक्ट पहुँचता है मुझे सिर्फ परफॉर्म करना होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग भी मैंने बताया कि अभी वर्किंग आउट डूइंग माई बेस्ट ब्रेथ कंट्रोल से लेके सारी चीजें प्रैक्टिस कर रही हूँ. काफ़ी बच्चा है, मतलब जो मतलब हर एक्ट्रेस के अपोजिट होना चाहिए एक एक्टर जो वो मिसिंग दिख रहा है, सस्पेंस है, वो मिसिंग नहीं है, वो मिसिंग बिल्कुल कोई आएगा कि नहीं, मतलब जिंदगी में, मतलब ऑफ कोर्स आएगा डेफिनेटली. ये कहानी जैसे-जैसे ग्रो होगी, जैसे-जैसे सब आएंगे भाई, बच्चे बच्चे भी आएंगे, छोटे बच्चे भी आएंगे, सब आएंगे. लास्ट क्वेश्चन काफी अच्छी कहानी लग रही है और आगे चल के काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है. इसी के अपार्ट फ्रॉम दैट करणवीर जो है खतरों के खिलाड़ी का टैग लेके अब बिग बॉस में जा चुके हैं, खतरों का बिग बॉस का टैग लेने, क्या वो बिग बॉस का किताब लेके बाहर आएंगे और आप बिग बॉस कितना ज़्यादा फॉलो करेंगे? यार आई डोंट वॉच इट एवरी डे बट डेफिनेटली मैं स्निपेट्स देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे. एंड मैंने सुना है उन्हें विलन का टैग दिया गया है या ईशा को भी कुछ टैग दिया गया है, कुछ चुगली करती हूँ. बट आई थिंक दे आर एंटरटेनिंग इन रियल लाइफ. आई नो देम एंड आई नो देम वंडरफुल पीपल, ब्रिलियंट सोल्स एंड वेरी गुड फ्रेंड्स एज वेल. सो आई थिंक दे आर देयर टू एंटरटेन एवरीवन. एंड ड्रामा और मसाला देना तो ज़रूरी है, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा. एंड दे आर डूइंग देयर जॉब. I think chahe aap kaise bhi dikho, aap dikh rahe ho, that's important, and I think they both are doing a great job. Thank you.